दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों पहले जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो मैं आपको सुना दूँ, फिर आपसे बातचीत करता हूँ आगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो खुशखबरी वो ये है कि आज जो डेट है ये 17 अप्रैल 2023 के डेट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और सुबह का जो समय हो रहा है वो 9 बज रहे हैं। 20 अप्रैल को आप सभी लोगों के लिए मैं रिश्ता भेज रहा हूँ। किन के लिए रिश्ता भेज रहा हूँ कृपया स्पष्ट और क्लियर आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। आप में से जिन लोगों ने 101 रुपये के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उन सभी लोगों के लिए, लगभग 156 लोगों के लिए, 101 रुपये के अंतर्गत आप में से जिस भी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप सभी लोगों के लिए जो तीसरी लिस्ट है ये हो गया पहले रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोग जिन्होंने 101 रुपये के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, और दूसरे लोग वो व्यक्ति जिन्होंने सेकंड जो हमारा प्लान लॉन्च हुआ था 501 रुपये के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। दोनों की जो जनसंख्या है मिला के 200, इन 200 लोगों के लिए मैं 20 अप्रैल को एक ही दिन प्रोफाइल सबके नंबर पे भेजने वाला हूँ, और ये प्रोफाइल जो है, ये जो रिश्ता है आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा। 20 अप्रैल को शाम को 4 बजे के बाद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात तक आपके पास रिश्ता पहुँचता रहेगा। लेकिन जो आपको बात करनी है वो 21 अप्रैल को बात करनी है उन लोगों से जिनका रिश्ता मैं आपको भेजा हूँ, और शाम को 4 बजे के पहले ही आपको बात करना है। बात अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से, अच्छे ढंग से, अच्छे लैंग्वेज में आप करेंगे तभी आपका रिश्ता होगा। ये मैं बात आपको स्पष्ट और क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, रिश्ता किन के लिए भेज रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट, पहला तो हो गया 101 रुपया, पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा एक जो क्लियर करना वो ये है कि जो 501 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसमें से किन लोगों के लिए भेज रहा हूँ। तो भाई साहब 501 रुपये का जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिन लोगों ने मुझे दोस्तों 9 अप्रैल के दिन, रविवार का दिन था, 9 अप्रैल जो था वो रविवार का दिन था, तो 9 अप्रैल से पहले, मतलब 9 अप्रैल को भी अगर करवाए तो भी आपके पास रिश्ता पहुंचेगा, या उससे पहले जो लोग ने रिश्ता करवाया है उनके भी पास रिश्ता पहुंचेगा। ये मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ स्पष्ट और क्लियर, ठीक है। 9 अप्रैल के बाद जिन लोगों ने रिश्ता करवाया है आप सभी लोगों के लिए, अभी रिश्ते पे काम चल रहा है, अभी आपके लिए रिश्ता नहीं भेज रहा हूँ, इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। हाँ, रिश्ता कब भेजूंगा, ये रिश्ता भेजने से 4-6-10 दिन पहले मैं वीडियो के माध्यम से स्पष्ट और क्लियर बता दूंगा कि इस दिन, इस तारीख को, इस डेट के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उन लोगों के लिए मैं रिश्ता भेजूंगा। तो कन्फ्यूजन मत रखिए आप अपने दिल दिमाग में, अपने माइंड में, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर, 20 तारीख को 200 लोगों के लिए मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, किन के लिए भेज रहा हूँ, कब भेजूंगा, ये चीज़ें मैंने आपको साफ और स्पष्ट हिंदी में सरल शब्दों में बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों एक सबसे जो इम्पोर्टेंस बात वो ये है कि अभी आपकी मेरी बात नहीं हो रही है, मैंने नंबर बंद कर दिया, उसके पीछे कारण ये है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास दिन में 500 कॉल्स आती हैं, पहले 50 आती थी, अब 500 आने लगी। कारण उसके पीछे ये है कि जो मेरी पहले की वीडियो हुआ करती उसके अंदर जो गलत नंबर मैंने डाल कर रखा था उस नंबर को मैंने संशोधित कर दिया, उस नंबर को हटा के मैंने अपना नंबर डाल दिया ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ में धोखा फ्रॉड ना हो, क्योंकि वो फ़ोन कहीं गलत जगह जा रहा, फिर उनसे पैसे लिया जाता, उनके साथ में धोखा फ्रॉड होता था। तो वहाँ की जितनी भी कॉल्स हैं वो, और जिन जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फ़ोन करते थे, तो इस प्रकार से सब फ़ोन कॉल्स जो है ना, रोज़ 500, कभी 600, कभी 550, मतलब 500 से ऊपर फ़ोन जा रहा था रोज़। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, जब 100 लोग फ़ोन करते हैं मेरे पास, तो उसमें से रजिस्ट्रेशन करने या जेन्युइन जो कारण होता है शादी विवाह के लिए होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10% होता है, 100 का सिर्फ 10% होता है। 90% लोग मजाक करने के लिए,
90% लोग टाइम पास करने के लिए, 90% लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टाफ से गलत बातचीत, गलत व्यवहार करने के लिए फोन करते थे। और इस चीज को हम लोग परेशान हो गए थे, थक हार के हमें मजबूरन यह डिसीजन लेना पड़ा कि अब हम उन्हीं व्यक्ति का फोन रिसीव करेंगे और उनसे ही बात करेंगे जो हमें पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और रजिस्ट्रेशन आपको मालूम कि वही व्यक्ति करवाएगा जिसके पास 501 रुपया हो, और वही व्यक्ति करवाएगा जिसको शादी या विवाह की रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो। क्योंकि जब इंसान अपने जेब से 500 रुपये भेजेगा तो सोचेगा कि भेजूं कि ना भेजूं, और वही भेजेगा जिसको गरज होगी, जिसको जरूरत होगी, जिसको शादी करना, जिसको रिश्ता करना है। यहाँ पे दोस्तों जो 10% लोग हैं उसमें आप भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको शादी करना है, विवाह करना है, तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। लेकिन वहीं पे जिन लोगों को मजाक मस्ती करना था वो लोग इस चीज़ से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा मैं काम कर रहा था, जो 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा था, वो 90% उन लोगों के लिए कर रहा था जो मजाक के लिए फ़ोन कर रहे थे। हमारा पूरा स्टाफ उसमें, हम पूरी तरह से एकदम बेबस हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो इसलिए दोस्तों हमें मजबूरन यह डिसीजन लेना पड़ा कि हम उनके लिए ही काम करें, अपना समय और वक्त, अपनी एनर्जी उनके लिए ही वेस्ट करें, उनके लिए ही बर्बाद करें, उनके लिए ही उपयोग करें जो उस योग हो, जो लोग रिश्ता चाहते हैं, जो उस योग हो जिनको रिश्ता चाहिए। हम उनकी मदद करें जो मदद के लायक हैं, ना कि उनकी मदद करें जो टाइम पास करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। तो मजबूरन हमें यह डिसीजन लेना पड़ा। इससे दोस्तों हमारा और आपका जो सर्विस है ये बेहतर होगा, क्योंकि अब मैं जो समय निकाल रहा हूँ वो इन उन लोगों के लिए निकाल रहा हूँ जिनको वास्तव में शादी विवाह करना है, अपने लाइफ में सेट होना, जिनको वास्तव में लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। जैसे आप, आपको ज़रूरत हो तो ये मैं अपना समय आपको ही सिर्फ दूंगा, अपना समय अगर उनको दे रहा हूँ तो इससे नुकसान आप लोगों को होता था कि मैं आप पे पैसा भी दिया, रजिस्ट्रेशन भी करवाया, बायोडाटा भी भेजा, फिर भी मैं आपसे बात नहीं कर पाता था, फिर भी संपर्क नहीं कर पाता, फिर भी आप मुझे मैसेज भेजते तब भी नहीं बात कर पाता था। क्यों? क्योंकि मैं अपना वक्त, समय, जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे भी यूज कर रहा था। तो मुझे ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं अगर ऐसा करता तो मैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर आपसे बातचीत नहीं कर पाता। जो पिछले एक हफ्ते में 2-4-10 दिन में तकलीफें हुई हैं उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है। तो फाइनली भी आप टेंशन ना लीजिए, मैं इस समस्या का समाधान निकाल चुका हूं और अभी फ्री हो चुका हूं। अभी आप में से जितने भी लोग ने रजिस्ट्रेशन करवाए मत परेशान हो यार, आप लोग डाउट करते हैं, अरे रवि भाई आपका पैसा वैसा लेके कहीं नहीं भागने वाला, मैं यूट्यूब पे हूं, रिश्ते के लिए काम कर रहा हूं, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, मैं वो इंसान नहीं चोरी बेमानी करके भाग जाऊँ, आपसे पैसा फ्रॉड करूँ, धोखा करूँ। आप उसके, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का दिल इतना छोटा है ना, मुझे मैसेज लिख के भेजा रहे तुम रवि भाई भाग गए क्या पैसे लेके। अब किसको किसको जवाब देने बैठूँ यार, किसको किसको मैसेज करूँ, किससे किससे बात करूँ। इसलिए तो वीडियो में रोज़ दूसरे तीसरे दिन, रोज़ मतलब डेली एक दो वीडियो मैं यूट्यूब पर लेके आ ही देता हूँ। और अभी आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते तो वीडियो आपको आती है तो आपको मिलती नहीं, तो फिर आप डाउट करते हैं। इसलिए भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ यार, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिले, मान लो अभी मैंने 1 घंटे ये वीडियो डाल रहा हूँ तो उसी घंटे आपको जानकारी मिलेगी, तब ना जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखेंगे ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्या होता, तो सरल और शब्द में हिंदी में बताऊँ ना कि आपके देखो स्क्रीन के नीचे कहीं लाल कलर का नहीं, अभी काला कलर का बटन एक दिया होता है जिसपे एस लिखा होता है, एस फॉर सब्सक्राइबर लिखा होता है, उस बटनिया को क्या करो ना दबा दो, ठीक है, उस बटनिया को एक बार दबा दो, टच कर दो, और उसके बगल में घंटी का निशान आएगा, ठीक है, घंटियों को भी दबा दो, बस इतना ही करो। इससे क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी कि क्या नई चीज़ आ रही, क्या प्लान आ रहा है, कब रिश्ता आ रहा है, या आपको ऑन द स्पॉट मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। मैं उन भाइयों से, उन बहनों से, उन चाचा से, उन अपने पिता के समान सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया आप परेशान ना होइए, मुझे आप सभी लोगों की याद आती, मुझे आप सभी लोगों की जो बातें हैं ना वो मेरे कान में, मेरे ब्रेन में दिन रात घुसती हैं, जो आपने मुझसे बात किया, अपना दुख दर्द जो बताया है। ऐसा नहीं कि मैं पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में भूल गया हूँ, पैसा तो पहले भी ना मेरे जीवन में नहीं था कमाने का, और पैसा अभी भी मेरे माइंड में और मेरे दिल दिमाग में पैसा कमाने की बात नहीं है।
ये आप सोच सकते हैं, मैं नहीं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो उस बात से आपको पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, कुछ पैसे से मेरी तुलना कभी भी ना कीजिए आप। हाँ, आगे क्या प्लान है, क्या है, वो सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, एक बात और बताना भूल गया था कि हाँ, आप में से कुछ लोग जब पेमेंट भेजने के लिए जा रहे हैं, देखो भाई साहब, एक सरल तरीका बताऊं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अभी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। देखो, फोन तो लग नहीं रहा है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग नहीं होगा, और व्हाट्सएप पे जो आपका मैसेज आता है उसको चेक करने के लिए मैंने, मेरे स्टाफ लोग हैं वो हमेशा व्हाट्सएप पे 24 घंटा अपना निगरानी बनाए किसका क्या मैसेज आया। तो आप चुप मार के काम कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पर मुझे हाय लिखकर भेजिए, वहां पे आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई करके 15 सवाल का एक पेज मिल जाएगा। उन 15 सवाल में से जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ या जो जानकारी मुझे चाहिए उनका आप उत्तर मुझे दे दीजिए, या उसको ही कॉपी करके उसके अंदर ही एडिट करके फॉर्म भर के मुझे भेज दीजिए। और दूसरा, एक बात, पेमेंट जो है फोन पे, गूगल पर, पेटीएम, जैसा भी आप करना चाहे, मेरे मोबाइल नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है लास्ट में 4012, इस नंबर पे आप जैसा भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे, चाहे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये जहाँ से आप रिचार्ज करवाते हैं वहाँ से आप जाके मेरे इस मोबाइल नंबर पे 501 रुपया भेजने के बाद उसका एक फोटो, एक स्क्रीनशॉट या पर्ची, जो भी आप कहें, जेरोक्स, फोटोकॉपी, जो भी आप कहें, ये दोनों चीज़ जैसे ही आप मेरे पास भेज देंगे, आपका पेमेंट और आपका बायोडाटा जैसे ही मेरे पास आ जाएगा, हम आपके प्रोफाइल पे ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पैसा लगाने वाला कि यहाँ जाके खड़े होकर फ़ोन लगा के रवि भाई से कन्फर्म कर ले, भैया तुम्हारा नाम रवि, तब तुम्हारे खाते में पैसा भेजे, क्योंकि फ़ोन ही नहीं लग रहा है। तो आप जाके खड़े होकर क्या करेंगे, आप सीधा भेज दीजिए ना। आप भेजने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिए, आप बायोडाटा भेज दीजिए, उसके बाद तो हम काम ऑटोमेटिक स्टार्ट करेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे प्रोफाइल मिल जाएगी, यूट्यूब पर आके बता देंगे भैया फलाने तारीख को इस तारीख के अंतर्गत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उनके लिए हम इस तारीख को रिश्ता लेके आ रहे हैं। अगर ऐसा करने के बावजूद भी अगर आपके पास रिश्ता नहीं पहुंचता है तो आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूं। लेकिन अगर आप नियम और कायदा कानून के हिसाब से चलेंगे नहीं, जानकारी आप मुझे अपनी भेज नहीं रहे हैं, और पैसा भेजने का टाइम आप फोन उसके यहाँ पे जाके वहां से फोन लगा के सोच रहे भैया से बात हो, 1 रुपये 2 रुपये भेज के कन्फर्म कर रहे हैं, तो भैया नहीं समय है, जब मेरी आपसे बात ही नहीं हो पा रही है तो आप फोन लगा के भी क्या करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि दो चीज़ आप डायरेक्ट भेज दीजिए, पैसा और बायोडाटा दोनों भेज दीजिए, उसके आगे का काम मेरा है। और जैसे ही आपका पेमेंट मेरे पास आ जाएगा तो मेरी टीम या मैं खुद चेक करके आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा या फोन करके बोल दूंगा, हाँ सर पैसा आ गया आपका और आपका बायोडाटा आ गया है, और रिश्ता खोजना चालू कर देता हूँ। हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे रिश्ता मिलेगा मैं आपको यूट्यूब पे किस दिन भेज रहा हूँ, रिश्ता आपके व्हाट्सएप नंबर पे किस दिन भेजूंगा, इसकी जानकारी मैं यूट्यूब पे 4-6-10 दिन पहले ही दे दूंगा। ये आपको मैं फोन करके या मैसेज करके बता दूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। हाँ, आप में से जो लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखते हैं, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि काम धंधे में थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन भाई साहब एक भी ऐसा कमेंट नहीं होता है कि जिसको मैं ना पढ़ता, चाहे मेरे बारे में सही लिखा हो चाहे गलत लिखा हो, 99% जो बातें होती हैं वो सही ही होती हैं। और एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि आप लोग नंबर मांगते हैं, अरे भाई साहब आप यूट्यूब पे जाके और मेरी वीडियो देख लो ना, किसी न किसी वीडियो में तो नंबर मिलेगा। आप कमेंट में बोलेंगे रवि भैया नंबर दे दो, तो कमेंट में आदमी, मैं खुद बोलता हूँ कि कमेंट में कोई अपनी जानकारी, अपनी निजी जानकारी कभी भी शेयर ना करे, चाहे व्हाट्सअप नंबर हो, चाहे एड्रेस पता हो, कमेंट में आप कोई भी अपनी जो निजी जानकारी वो शेयर ना करें, क्योंकि उसका कोई दूसरा फायदा उठा सकता है यार, इस चीज़ को आप समझिए। और मेरा आपको नंबर चाहिए ना, तो यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो नहीं है जो आप देख रहे हैं, 500 वीडियो, किसी भी वीडियो को जाके देखिए, हर एक वीडियो में मैं कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई टॉपिक उठाया हूँ, और हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं मैं अपना नंबर दिया हूँ, तो आप उस नंबर पे जाके देख लीजिए बात, या नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन जो होता है ना उसके अंदर भी देके रखता हूँ। लास्ट में मेरा एक बार बता ही देता हूँ, 9137814012 9137814012, इस पे ही पेमेंट करना है, इसी नंबर पे पेमेंट भी करना है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप भी करना है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है, सब कुछ इसी नंबर पे सर्विस उपलब्ध है।
और अगर अगर मुझे किसी प्रकार के आपके प्रोफाइल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ समझ में आएगा तो मैं वापस आपको कॉल बैक कर लूँगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, मैं बहुत ही जल्द 2-4-6 दिनों के बाद से आप सभी लोगों के पास फ़ोन करके आपसे बातचीत करूँगा, आपके हाल चाल पूछूँगा, क्या समस्या हुई और उसको मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सभी लोगों के पास फ़ोन जाएगा, कृपया परेशान ना होइए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिए। अपने दोस्त यार फैमिली मेम्बर्स किसी की मदद करना चाहते हैं ना, चाहते हैं कि उनकी भी ज़िंदगी में रिश्ता आए, शादी विवाह हो उनका, तो दोस्तों उनके तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्योंकि हो सकता है उनको मालूम ना हो कि रवि भाई शादी वगैरह का काम करवाते हैं बहुत कम समय में, बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्चे में, वो भी धोखाधड़ी फ्रॉड से बिल्कुल सुरक्षित। भैया आप भेजेंगे नहीं, उनको बताएंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जहां भी आपका दिल करे, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सअप, जहां भी आपका दिल करे, हर जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने जान पहचान के लोगों तक या उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना दोस्तों।